हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आपका मोस्ट वेलकम करते हैं योर टेक्निकल सूरज क्लासेस 3 पर, आपका मोस्ट वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में आपको यानी कि BSc पार्ट 2 तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए 30 ऑब्जेक्टिव MCQ का क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि इसमें 4 ऑप्शन रहेगा। इसका हम सेलेक्ट आंसर भी आपको बताएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। जो कि BSc पार्ट 2 का आपका एग्ज़ाम 2 मई को होने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, आपका जो एग्ज़ाम होगा 2 मई को होने वाले हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी फर्स्ट पेपर का आपका यानी कि 3 पेपर जो हुआ, थर्ड पेपर पार्ट 2 थर्ड पेपर का एग्ज़ाम हो गया, और पार्ट 4 का पेपर का आपका एग्ज़ाम 2 मई को होने वाला है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसके रिगार्डिंग मैं सजेशन भी दे दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज क्लासेस 3 पे, आप अवश्य देख लेंगे डियर स्टूडेंट, और इससे सारा क्वेश्चन आप तैयार करके जाएं। मैं बता रहा हूँ आपका 80 से 90% आपका क्वेश्चन इसी से लड़ जाएगा। आप लैंग्वेज हिंदी में तैयार कर सकते हैं, इंग्लिश में तैयार कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए, आज के इस वीडियो में आपको हम 30 ऑब्जेक्टिव देने वाले हैं, जो कि आपका 15 ऑब्जेक्टिव वहाँ पूछे जाते हैं, यानी कि पेपर में अगर आप 30 ऑब्जेक्टिव कवर करके जाते हैं, ये फर्स्ट वीडियो है, और सेकंड डे में और 60 ऑब्जेक्टिव देंगे, ठीक है। ये 30 ऑब्जेक्टिव है, और कल की वीडियो, जैसे कल 26 तारीख हुआगा, तो 26 तारीख को भी हम कल 60 ऑब्जेक्टिव देंगे। अगर टोटल आप 90 ऑब्जेक्टिव करके जाते हैं, तो आपका 15x15 नंबर कोई नहीं काट सकता है। इससे बाहर आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में नहीं आएगा पार्ट 2 स्टूडेंट के लिए, जो कि आपका यानी कि 2 मई का एग्ज़ाम होने वाला है ऑनर्स पेपर का। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज की यानी कि क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों में शेयर कर देंगे। आप सब डियर स्टूडेंट लाइक बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे आपको हर नोटिस मिल पाए। और जो स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप ज़रूर जुड़ जाएंगे, इससे आपको हर क्लास प्रोवाइड होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को खर्च करते हुए। देखिए 30 क्वेश्चन लिया गया है, गैस किया गया है मेरे द्वारा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो कि मेरे द्वारा गैस किया गया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूल ऑफ बालस्टिला इज, ठीक है, द फ्यूल ऑफ बालस्टिला इज क्या है? यह एसिडिक होता है, या सैलिन होता है, या एल्बिनस होता है, या नेचुरल होता है? तो राइट आंसर जो डियर स्टूडेंट होगा, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, सारा हाईलाइटेड क्वेश्चन है। चलिए, सिलोम इज एम्फीबियक्स हैज, सिलोम इज एम्फीबियक्स हैज क्या होता है? इंडोडर्म, इक्टोडर्म, मेजोडर्म, या ऑल ऑफ देम? तो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट इसका मेजोडर्म। क्या होता है ये? मेजोडर्म होता है। चलिए तीन नंबर क्वेश्चन, एक नंबर कंप्लीट हो गया, दो नंबर कंप्लीट हो गया, तीन नंबर क्वेश्चन, द चीक हैचेस फ्रॉम द हैंस एग इन, द चीक जो होते हैं, इसे जो हैचेस करते हैं यानी कि हैचेस करते हैं फ्रॉम द हैन एग्स इन, कितने दिनों में करते हैं? 17 दिन, 21 दिन, 27 दिन, 30 दिन, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी आप भी बताने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका 21 दे क्या होगा? 21 दिन आपका इसका ये रहता है, ठीक है। चलिए चार नंबर क्वेश्चन, चलाजा अवसर इन द ईग ऑफ, इसका होता है चलाजा अवसर इन द ईग ऑफ, तो किसका होता है? फ्रॉग का होता है, स्नेक का, हैन का, रैबिट का? किसका होगा? हैन का होता है, ठीक है स्टूडेंट, किसका होता है? हैन का होता है। चलिए पाँच नंबर क्वेश्चन, सलेबरी ग्लैंड आर प्रजेंट, सलेबरी ग्लैंड किसमें प्रजेंट होता है? ग्लैंड से आपका एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, रैबिट में, राना में, फोयल में, या नॉन में, बताइए। फाइव नंबर का राइट आंसर आपका बी होगा, राना में होता है, राना में होता है। चलिए छः नंबर, रिएक्टल ग्लैंड आर प्रजेंट इन स्क्लोडिना, राना, फोयल, या नॉन? तो इसका चलिए छः नंबर का राइट आंसर ए होगा, स्क्लोडिनिया होता है, स्क्लोडिनिया। चलिए सात नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सात नंबर क्वेश्चन, चलिए सात नंबर क्वेश्चन की ओर है, से सात नंबर में है आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोप ग्लैंड, हाँ क्रोप ग्लैंड आर प्रजेंट इन, क्रोप ग्लैंड आर प्रजेंट इन किस में होता है? फोयल में होते हैं, रेबिट में होते हैं, एम्फीबियक्स में होते हैं, लीजर्ड में होते हैं?
सात नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, सात का राइट आंसर आपका होगा इज़ द सी, इज़ द राइट आंसर, सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए एल्टेनियस ई ड्राइप्टोम किसका होता है, मेजोडर्म, इंडोडर्म, एक्टोडर्म, नन ऑफ दिस। चलिए राइट आंसर बताइए आठ नंबर का डियर स्टूडेंट, तो आठ नंबर का राइट आंसर होगा आपका इंडोडर्म, इंडोडर्म इज द राइट आंसर। चलिए नौ नंबर सेमिनल वेसिकल आर अब्सेंट इन, नौ नंबर लिजर्ड में होता है या बर्ड में होता है, मेमल में होता है, नन ऑफ दिस। चलिए नौ नंबर का राइट आंसर होगा लिजर्ड में होता है, लिजर्ड जो छिपकली होता है उसमें होता है। चलिए दस नंबर फर्टिलाइजेशन इज सेक्रेट बाय, फर्टिलाइजेशन किसके सेक्रेट करता है, ईग के द्वारा, स्पर्म के द्वारा या बॉथ, दोनों के द्वारा या नन ऑफ दिस, किसी के द्वारा नहीं। दस नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर बताइए दस नंबर का राइट आंसर ईग, ईग के द्वारा होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ईग के द्वारा। चलिए ग्यारह नंबर द इम्प्रोवाइज एट द कॉल्ड स्टेज एट द टाइम ऑफ थर्ड क्लेवेज, सो क्या कहा जाता है, राइट आंसर बताइए वर्टिकल कहा जाता है या परपेंडिकुलर या लॉन्गिट्यूडिनल कहा जाता है या नन ऑफ दिस, तो राइट आंसर बताइए डियर स्टूडेंट इसका क्या होगा, तो राइट आंसर बताइए ग्यारह नंबर क्वेश्चन का डी होगा, एट होता है, एट होता है। चलिए बारह नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, बारह नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फर्टिलाइजेशन इज हैन एक्स इज, फर्टिलाइजेशन हैन एक्स इन, तो राइट आंसर क्या होगा बारह का, बताइए राइट आंसर बारह का ए इज द राइट आंसर, क्या होगा डियर स्टूडेंट, तो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल। चलिए अगला क्वेश्चन तेरह नंबर क्वेश्चन की ओर, टोटल थर्टी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, थर्टी क्वेश्चन से आपका बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए तो डियर स्टूडेंट तेरह नंबर क्वेश्चन है आपका एनिमियन डेवलप्स ड्यूरिंग द एम्ब्रॉइंग डेवलपमेंट, कॉकरोच के द्वारा, लिजर्ड के द्वारा, टॉट के द्वारा या फिश के द्वारा, तो राइट आंसर क्या होगा बताइए डियर स्टूडेंट, आप भी बताइए, कोशिश कीजिए। तेरह नंबर का राइट आंसर, तेरह नंबर का राइट आंसर होगा लिजर्ड के द्वारा, तेरह नंबर का लिजर्ड के द्वारा। चलिए चौदह नंबर राइट आंसर बताइएगा द कैविटी ऑफ गैस्टूला इज नो एस, क्या होता है कैविटी गैस्टूला इज नो एस, माउथ में होता है, सेलोम में होता है, ब्लास्टिकॉल में होता है, नन ऑफ दिस में होता है, तो एकदम पढ़वा के एकदम अच्छा नंबर लाना है, चलिए गर्दा उड़ा देना है एग्जाम में, बताइए डियर स्टूडेंट। चौदह नंबर का राइट आंसर सी होगा, क्या होगा ब्लास्टूला के द्वारा होता है। पंद्रह नंबर चलिए स्पायरल कैल्वेज इन सीन इन, स्पायरल कैल्वेज इन सीन इन किसमें होता है, एनिलिड में होता है, मोलस्का में होता है, सबको पता है ये, या म्यूकस में होता है या नॉन ऑफ दिस या ऑल, क्या राइट आंसर बताइए पंद्रह नंबर का, पंद्रह नंबर का राइट आंसर ए होगा, क्या होगा ए नंबर, एनालिट्स में होगा, क्या होगा एनालिट्स में होगा। चलिए पंद्रह नंबर तक कंप्लीट हो गया, सोलह नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट, सोलह नंबर आपका क्या बता रहा है सुनिए, सोलह नंबर है आपका एनालिट्स हेल्प इन, एनालिट्स हेल्प इन किसका, एनालिट्स हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन का, एक्सक्रेशन का, न्यूट्रिशन का या नॉन ऑफ दिस, किसका होगा, तो राइट आंसर बताइए सोलह नंबर का ए इज़ द राइट आंसर, रेस्पिरेशन का होता है, रेस्पिरेशन का, परिसीक तंत्र का होता है। सत्रह नंबर सेल मेम्ब्रेन इज हैंड्स इग एन, सेल मेम्ब्रेन इज हैंड्स इग आर, क्या होता है राइट आंसर, सत्रह नंबर का डायरेक्ट आंसर बताइए तो बी होगा, क्या होगा टू इन मेम्ब्रेन, दो मेम्बर होते हैं इसमें। अठारह नंबर चलिए इग सेल ऑफ चीज इज फॉर्मेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसमें सारा ऑप्शन दिया गया है। चलिए 19 नंबर कंप्लीट, 18 नंबर कंप्लीट हो गया, 19 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर बीक ऑफ बर्ड्स इज, बीक ऑफ बर्ड्स इज क्या होगा राइट आंसर, यस टू इसका होगा क्रेटिनाइज स्केल रिप्राइडल, ठीक है। चलिए 19 नंबर का ए इज़ द राइट आंसर, क्या होगा यस टू 19 नंबर का क्या होगा ए इज़ द राइट आंसर। चलिए 20 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं, चलिए हाँ 20 नंबर में है आपका प्रोवेंटिकुलर एज, प्रोवेंटिकुलर एज क्या होगा राइट आंसर 20 का, तो 20 का चार ऑप्शन दिया गया है, 20 का राइट आंसर दिया बताइए डियर स्टूडेंट, 20 का ए होगा, क्या होगा ए होगा राइट आंसर, क्या होगा 20 का प्रोवेंटिकुलस का एंटीनियस पार्ट्स ऑफ द एस्कन एस्टोमिक। चलिए 21 नंबर, 21 नंबर क्वेश्चन सुनिए, 21 नंबर है आपका यूटेरस, यूटेरस मैस्कुलिनिया इज ऑब्जर्वड इन, ठीक है यूटेरस मैस्कुलिनिया इज अब्सेंट इन, रैबिट में होता है, डॉग फिश में होता है, फ्रॉग में होता है या मंकी में होता है, 21 नंबर का राइट आंसर बताइए,
इस चीज़ का राइट आंसर बी होगा। ठीक है, ये तो डॉग फिश में होता है। चलिए, क्लोडल वेनी अपसेंडिन, हाँ क्लोडल वेनियस अपसेंडिन फ्रॉग में, लेजर्ड में, रैबिट में, नन ऑफ दिस। तो 22 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर, रैबिट हैज टीथ, रैबिट का जो टीथ होता है कैसा होता है, तो होता है आयू फ्रेडस द कंटेन हेल हैंडलमेंट। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए, सेल्वेज इज क्या होता है, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, इसका राइट आंसर होगा सेल्वेज इज हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। चलिए 26 नंबर मेरे डियर स्टूडेंट, क्या 26 नंबर का राइट आंसर, VBI क्वेश्चन देखिए लगाए हैं, द मोस्ट एक्टिव एंड लिविंग लेयर ऑफ सेल इन स्किन इज, क्या होगा, स्टेनेटम को मैम, या स्टेडियम मेडिहिल, या स्टेडियम विसेडियम, या स्टेडियम ग्रेनेडियम, क्या होगा राइट आंसर। 26 का राइट आंसर बताइए, तो 26 का राइट आंसर बी होगा। क्या दिए स्टूडेंट, 26 का बी होगा, स्टेडियम मेलोजियम। ठीक है, चलिए 27 नंबर, ड्यूकस प्रोटिक्स इज कनेक्शन बिटवीन, किसके होता है, तो थर्ड एंड फोर एचिक एच के बीच में होता है। ठीक है, रेचिक एच के बीच में होता है। चलिए, फोटकस गेट न्यूरिशमेंट एंड ऑक्सीजन थ्रू, किसके थ्रू होता है, योल्क सेक के थ्रू, ये एल्टेनियस के, प्लेचिंटा के, ये ओबरी, तो प्लेचिंटा के क्या होता है, प्लेचिंटा के होता है। ठीक है, चलिए 29 नंबर, 28 कंप्लीट हो गया। 29 नंबर, विच ऑफ कंसिडर्ड नो एज द फ्लाइंग एम्फीबिया, हाइला, पाइला, या रोफॉर्स, सॉरी रेकोफॉर्स, या एक्सोकेडस। राइट आंसर इज द सी इज द राइट आंसर। क्या होगा डियर स्टूडेंट, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन, क्रॉक्स क्लोजियम इज फाउंड इन द ब्रेन ऑफ फिश का, एम्फेबिया का, रेप्टेलिया का, या मेमल का। राइट आंसर इज द मेमल। क्या होगा राइट आंसर इज द मेमल। क्या होगा डियर स्टूडेंट, राइट आंसर इज द मेमल्स। तो डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आज आपको आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो सभी बच्चों में शेयर कीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, चूँकि ये जो क्वेश्चन है सारा हाईलाइटेड गैस किया गया क्वेश्चन मेरे द्वारा, क्योंकि आपको 2 मई को देखने के लिए मिलेगा। इसका सॉल्यूशन हम आपको दे दिए हैं, आप एकदम हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए, इसको याद करने का कोशिश कीजिए। चूँकि आपका एग्जाम जो आप बचा है, मात्र कितना दिन बचा है डियर स्टूडेंट, 5 से 6 दिन बचा है। 5 से 6 दिन के अंदर में आप सारा क्वेश्चन कवर करके चले जाइए। अभी हम अभी का आज का क्लास, यानी कि आपको 25 को हम कितना ऑब्जेक्टिव करवाएं, 30 ऑब्जेक्टिव, और कल 60 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, टोटल 90 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, इससे बाहर आपका पार्ट टू एग्ज़ाम जो होगा सेशन 20-23 यानी कि 2 मई पेपर 4 का, ठीक है, इससे बाहर आपका एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं ये जो वीडियो है ऑल स्टूडेंट में, जो बच्चे को अभी क्लासेस नहीं हो पा रहा है, जो बच्चा क्लास नहीं कर पा रहा है, उन्हें भी शेयर करें जो इससे हेल्प मिल सके। और जिस बच्चे को नोट्स चाहिए, ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें 7061813584। ठीक है स्टूडेंट, आपको हाई कीजिए व्हाट्सअप के थ्रू, आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट, नोट्स में कोई मनी नहीं। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप खाली आप पढ़े लिखे आप हमेशा और आगे बढ़े। ठीक है स्टूडेंट, मुझे आई डोंट मनी, मुझे अभी पैसा का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी एक यानी कि टीचर हूँ, और मैं मेरा मकसद है कम पैसा मिले और स्टूडेंट को अच्छा शिक्षा दे। ठीक है स्टूडेंट, मेरी तरह ये नहीं है कि हम पैसा चाहिए हमको 200-300-400, नहीं डियर स्टूडेंट, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप अच्छा से पढ़िए, ठीक है, और अच्छा से एग्ज़ाम दे के आइए, इसके बाद आप हमसे बात कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा करते आज के वीडियो में आपको ये अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। मुझे पैसा की ज़रूरत अभी नहीं है डियर स्टूडेंट, अभी आप नोट्स के रिगार्डिंग कॉल कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं डियर स्टूडेंट, आपसे एक भी फी नहीं लिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चूँकि मुझे अभी पैसा की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा नहीं है कि 200-300-400 मैं आपसे लेके आपको नोट्स दूंगा, नहीं डियर स्टूडेंट, अभी हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस दे रहे हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस कीजिए। ठीक है, अभी हमको पैसा की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगा तो आप सब मेरा साथ देंगे, मुझे भरोसा है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे द्वारा यानी कि नोट्स बनाया गया है,
चाहिए तो आप व्हाट्सएप करें, आपको मिल जाएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइए, आपको पार्ट वन पार्ट टू सभी का तैयारी होगा। पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थर्ड बीए बीएससी सबका तैयारी करवाया जाएगा। नोट्स हैंड रिटन नोट डाउट क्लासेस सभी को क्लियर करवाया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना है। इससे पहले आप ज्योलॉजी ऑनर्स पेपर फोर का सजेशन लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लें, आई ऑब्जेक्टिव भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो बाय बाय डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ठीक है।